हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, यहाँ पर नवरात्रि के लिए एक बार फिर से शॉपिंग, पहले भूल गए थे, आज माता जी ने याद दिलवा कि क्या क्या आना चाहिए और लिस्ट थमा दी है मेरे हाथ में बनाकर। ज़्यादा बड़ी नहीं है, शाम के 3:30 बजे हैं और शाम सी हो जाती है अब 3:30 बजे। ज़्यादा तगड़े वाली धूप नहीं है अब, और धूप भी फीकी पड़ेगी तो काम शुरू हो जाए 3 बजे से। हल्की फुल्की है शॉपिंग, एक पूजा सामग्री है कुछ तो नहीं? कल अष्टमी के लिए और अच्छा। परसों के नवमी के लिए भी सामान आज ही लिया। अच्छा, तो कल सप्तमी के दिन ही अष्टमी भी है और उसके लिए सामान आना जरूरी है, तो आज ही निपटा लेते हैं। कल नहीं तो सुबह में भाग दौड़ होगी और अभी ला के रख लेंगे। छोटा मोटा सामान है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। और तो जी चलो चलते हैं। और माँ ने दो चीज़ बताई और फिर बताने वाली क्या थी माँ? चल दे तुम बुढ़ाना। हाँ चलना, ले आऊँगे सामान। हाँ सामान ले आइए, तुम कहीं फिर बुढ़ाना जाएंगे। हर बुढ़ाना जाकर फिर आकर नुकाओ, इतना मारे वो याद नहीं रहा। एक तो लाइयो छोटी बाल्टी। अच्छा, पोचे वाली। पोचे वाली अच्छा। और एक लाइयो छोटा टब जिसमें बर्तन बुर्तन धो जाए। ये दो चीज हैं, दो चीज है, टब बर्तन धोने के लिए, पोचे की बाल्टी। बहुत दिन हो लिए घिसा घिसा के काम चला रहे पोचे वाली बाल्टी से, लेकिन आज देखते हैं अगर मिलेगी। और पिताजी एक सजेशन और दे रहे थे, भाई पेंट की जो बाल्टी हो खाली, अगर किसी के साथ मिल गई तो वे लाइयो मजबूत वाली, वैसी ना ले आइयो कभी चमकती धमकती देख के, और बेकार प्लास्टिक वाली उठा लाओ, ज्यादा नहीं चलने वाली है। बाल्टी टप वाले तो रोज आए बेचना कर जो मैं लिखा भी पढ़ू। हाँ ना, माल लिया इन पर माल बढ़िया नहीं। नहीं माँ सही कह रहे हैं, हमारी पेंट हुआ था जब मकानों पे, पेंट की बाल्टी चली है अब तक सारी। सही तो जी चलो जी। पेंट वाली बाल्टी, छोटे पेंट वाली छोटी बाल्टी वो ढूंढेंगे, मिल गई तो वो काफी मजबूत रहती है पिताजी के अनुसार। माँ को तो इतना तजुर्बा है नहीं प्लास्टिक का, पिताजी को ज्यादा है। पिताजी को यही तजुर्बा हर चीज का ही। तो चलो फिर चलते हैं जी बस अब। तो जी कई सारे सामान आएंगे तो दो थैले मैंने ले लिए हैं, चलिए चलते हैं मार्केट में। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है त्योहारों के उपलक्ष्य में, डेली मार्केट में जाना हो रहा, कुछ ना कुछ रोज छोटा ही रहता है। उस दिन हम भूल गए थे कि अष्टमी के लिए ये सामान भी लेना है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूरी तो है यहाँ से मार्केट, मार्केट ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, उसका भी फायदा ही है। चम्मच ले लो। कितनी हुई? एक दो तीन हाँ नो अरे कोई रोल लगा बच्चा तीन दो चलो कर दो फालतू। ठीक है सुपारी। कॉन्टैक्ट नंबर दियो जी आप, भाप भेजेगा यार अपना भी। हमारी बुआ रेडियो देखता है तुम्हारी, दिल्ली से वहीं से कॉल आई कि कॉन्टैक्ट नंबर दियो। अच्छा बिल्कुल देंगे नहीं क्या बात होगी? फिर आप जो तुम डिब्बे लेके ना जब दुकान पर आओगे, उन्होंने जाना दुकान पर। अच्छा तो ये देखो वहाँ तक वीडियो देखे जा रही है आपकी। आज कहाँ से गया? हाँ जी, क्या ढूंढ रहे? साबुन, डिटोल भी है और जी ये ले लो डिटोली। डिटोली लक्स भी है, सब है साबुन मेरे पास भी है। डिटोली वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये डिटोल है। गले कौन सी कम? लाला जी से पूछ लेंगे। लाला जी कौन सी कम गलेन में? डिटोल में ये वो हरे वाले, ये ले लो, ये अच्छी है, ये बढ़िया है। चलो देखो कौन सा लाना है। पेस्ट कौन सा लेना? दंत कांति लेंगे।
तो जी बाल्टी भी खरीद ली, टब भी खरीद लिए, और ये बाल्टी है पेंट की, मजबूत बाल्टी, पुरानी है तो पेंट की लेकिन है मजबूत, जैसा पिताजी ने कहा था और मान है, वैसी बाल्टी ले ली। ग्रोसरी का सामान था थोड़ा सा, राशन का, रसोई का, वो भी ले लिया, और जी बाकी जो है छोटा मोटा सामान था, थोड़ा सा कपड़ा भी था, निशान चढ़ावेंगे माड़ी पे नीले कपड़े का, वो भी ले लिया, और जी और क्या लिया, मोर के चंदे भी ले लिए, बस बाल्टी लेना आना पड़ा बहुत दूर, बीजने रह गए बीजने, और बीजने तो गाँव में तो मिल जाएंगे, तो निशान का काम भी पूरा हो जाएगा, मोर के चंदे भी ले लिए, और जी कन्याओं को जिमाओगे भोजन कराओगे, उन्हें जो गिफ्ट देंगे स्टील के बर्तन वे भी ले लिए, बाकी देर बहुत लगी, छोटे छोटे से काम के लिए पूरा पुडाना घुमा दिया मैडम ने, कभी कहे यहाँ चलो और कभी कहे वहाँ चलो, और ये पुडाना का पहाड़ी क्षेत्र है, इधर नदी पार का क्षेत्र, यहाँ हम खड़े, यहाँ से बाल्टी मिली इसलिए आना पड़ा यहाँ से, और बस अब घर चलने की तैयारी, दिन भी छिप गया, समय बहुत लग गया, और जो पुरानी बाइक है वो सर्विस के लिए दे रखी थी, तो उसमें हो गया इंजन का काम, उसका पूरा इंजन रिपेयर होगा दोबारा से, उसमें भी टाइम लग गया, वहाँ मिस्त्री के पास भी हो गया थोड़ा सा, पार्ट्स बता गया भाई मगर ठीक ठाक डाल दिए उसमें, तो जी यो था आपका, अब चलो बस घर जाके ही बात करेंगे बाकी, और यहाँ इसलिए खड़े कि यहाँ आवाज़ सी कम आओगी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियाँ पट पट की आवाज़ यहाँ सी बहुत है, और इन सब बाधाओं को चीरते हुए हमने यहीं पर जो है थोड़ा सा लोग सूट कर लिया, और जी थोड़ी सी एजिटेशन भी हुआ है भीड़ में, लोग देखे ना, दरअसल हम ये चाहते हैं कि वीडियो शूट करते टाइम हमें कोई ना देखे, और यूट्यूब पे हमें सारी दुनिया देखे होता है, होता है, ऐसा ही होता है, तो चलो अब जो चलते हैं घर भाई, लेट रहा मामला, बहुत देर हो गई। अभी जो है मैं मार्केट से आई थी, आते ही कपड़े चेंज किए, और अब मैं लग गई हूँ खाना बनवाने में, प्रीति ने मिट्टी का चूल्हा भी जला रखा है, वो वहाँ पर बना रही है, और मैं यहाँ पर व्रत वालों का बना रही हूँ, तो जी ये लौकी का रायता बना रही हूँ, इसमें लौकी जो है प्रीति ने उबाल कर रखा था, दही में मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, सेंधा नमक, और ज़रा सा इसमें जीरे से छोंक लगाएंगे, इन्हें मिक्स करके, अभी थोड़ा सा मैं इसको ढक देती हूँ, इधर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है, और फिर मैं बनाऊँगी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो जी ये हमारा रायता हो गया है तैयार बनकर, और अब बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ, इसे मिक्स कर देते हैं, ये देखिए अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और ये मुझे धीरे धीरे से हाथों से ही बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा घी लगा के इस तरीके से इसको दबा कर, और ये है आलू की मिक्स की हुई पूरियाँ, और सिंपल पूरियाँ बनाऊंगी, और फिर माँ सेकेगी दो चार रोटियाँ, क्योंकि मैं और प्रीति जो हैं वो कुट्टू के आटे की रोटी खाते हैं, तली भुनी चीज, इतना शाम के टाइम फिर नुकसान देने का डर रहता है, तो ये खाएंगे सब बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं आजकल व्रत वालों का भोजन, खा लेते हैं ये सब। क्या हो गया चिंकी, जलर जला दिया, ऐसे बुरा लग रहा था, जलर रखो जी, इन्होंने जलर जला रखा, और लाइट बंद करके दिखाऊं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा, फोटो खिंचवा यार आपको, रिंग लाइट लगा, माँ काम की चीज आ गई, टब बाल्टी आ गया, वो एक की जगह दो दो लेकर आए हम इसी वजह से, मगर माँ की शिकायत ना आ जा, बढ़िया है, बाल्टी तो दो हैं, अगर बस करक पोचे लगाने का पानी थोड़ा आकर बस, नहीं एक कमरे में एक लगा कर बदल ले करेंगे, फिर बदल ले करेंगे, हाँ एक कमरे में तो बहुत गंदा पानी करते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का फरस है, गंदा ज्यादा हो गया, नहीं ठीक है, वो तो मजबूत भी है, पेंट वाली ढूंढ गई लाए बहुत दूर जाके, पसंद आया सारा सामान, सारा सामान कपड़ा भी लिया है सवा 55 मीटर चढ़ाने का, और जो रसोई का सामान है वो भी सारा लिया, रीता मांगे तड़की को, ठीक है, और बाकी जो कुछ रहेगा वो कल को आ जाएगा। आज आरुष दिन में नहीं सोया था बिल्कुल भी, और अब मैंने उसका खाना पीना करके जो है होमवर्क कराया, और होमवर्क करते ही तुरंत दूध भी नहीं मांगा, इधर दूसरे कमरे में आके सो गया। अब पता चला मुझे जब मैं बाहर निकली, मैं फ़ोन सुनने लगी थी, इनकी नानी का फ़ोन आ गया था,
तो बात करते हैं तो कितनी देर लग जाती है, नाना जी से भी हुई, नानी से, नाना जी की शिकायत है कि उस दिन से तुम गई तो कोई सी ने बात नहीं करी दोनों में से। मैंने कहा हाँ ये तो बात है, पापा जी से बात नहीं हुई। एक दिन उनका फ़ोन आया था, दूसरे दिन हो गया था जब मुझे आई हुई वहाँ से, मम्मी से तो डेली होती रहे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, शिकायत आगे नहीं आने की, रोज़ बात करा करूँगी। और मैंने तब तक आकर देखा, देखा क्या आरुष सो गया है, ये बताने लगे सारे के सारे आरुष सो गया है। चलो फटाफट अपनी चारपाई डालो, कपड़ा बिछाओ और सो जाओ। छुट्टी किस किस की? एकल की, अष्टमी की, गुड्डू की है, चिंकी की छुट्टी नहीं है। तीनों बच्चे छोटे वाले जो तीनों हैं वो स्कूल जाएंगे और गुड्डू की छुट्टी है। मेरे ससुर ने बाग लगायो रे, ले लो रे अनार, ले लो रे अनार। मैं तो डर के टोकरा चाली रे, कोई ले लो रे अनार। इसके पूरे मजे आ रहे हैं, अनार बेचने में और अनार लेने में। अच्छा लगा हलवा पूरी? हाँ, आशीर्वाद दिया, दे दिया आशीर्वाद। माँ नु कह रहे महंगे ले आई, देखिए कितने के ही है, 180 के, 190 रुपए के। माँ ये दो, मैं ये कह रहा था महंगे से लग रहे हैं मुझे, उतनी क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं है ये तो 100 रुपए का, ये 90 रुपए का, लेकिन फिर 90-100 का वही क्या। देख अपनी बात पे मुझे नाम दर दिए और अपनी बात पे भी अड़ गए, 90-100 रुपए का आवे क्या। एक मन ने 90 रुपए का यहाँ से ही लिया था और वो चला मा 3-4 साल, लोरी बिलो भी है उसमें मट्टी भर रखी, कपड़े धो रहे थे उसमें। हाँ तो देखिए 10 साल पहली बात बता रही है, 10 साल पहली बात अब तक भी है वो 10 साल पुराना कर लिया था, 10 साल। अच्छा एंजल कितने साल की होगी? 10 साल बाद भी 90 का आया तो फिर घाटा कहाँ से है, कहाँ से महंगा? यो छोटा वो बड़ा सारा था, बड़ा साइज में था लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा बस। एंजल कितने साल की होगी? 8 साल की। हाँ तो 8 साल होगी। हाँ अरे ठीक है भाई, ठीक है, चलो जी माँ ने पास कर दिया, ठीक है सब कुछ। और बाल्टी प्रीति ने छोटी बता दी, मैं कह रहा था तुझे वहीं पे मगर बाल्टी छोटी है इसमें मन लगा हुआ, बड़े से साइज का पोचा डाल दो पानी बाहर आ जाएगा, फिर पोचा कहीं से लगाओगे। और ये टब इनका यूसेज बता दूं मैं, ये तो है बर्तन धोने का, और इसका पता नहीं कहेगा कपड़े वपड़े धोए नंदनी के कपड़े, ये कपड़े धोने का एक और ये बर्तन धोने का, और ये रेड चुना गया है बर्तन धोने के लिए क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा और इसका कलर भी अच्छा है। ये ग्रीन वाला कपड़े धोने के लिए है। नंदनी अब स्कूल में जाने का नंबर है तुम्हारा, ठीक है? ठीक है। स्कूल में जाओगे टिफिन लेके? स्कूल में जाओगे पराठा लेके? ठीक है ठीक है। और जितनी जगह जीवने के लिए जाओगे उसे लेके जाइयो, ठीक है? ठीक है ठीक है। मौन सहमति है इसकी। हाँ हाँ।